मैं इसका गुरुवर हूँ। मैं ये काम जब से मैं पैदा हूँ तब से हमारा अजदादी काम है। ये जो फूल इस साल निकले हैं माशाल्लाह का शुक्र है, इसी टाइम पर निकला जिस टाइम में पुराने वक्त में निकला था। ये जो मिसिंग थी, ये वाला गुंदरी, ये वाला जो मिसिंग थी, ये आज हमें बहुत सालों के बाद मिल गया। ये मिसिंग था, ये जो हमारे साथ, इसको हम कहते हैं कश्मीरी में दुगुंग, ये मिसिंग था। और इसमें बहुत से ऐसे चीज़ मिसिंग थी, जैसे यहाँ आते थे लेते, जैसे हमने आज लिया था उस मासी के हाथ, वो मिसिंग था। और इसमें जो मिसिंग था वो हम कहते थे गुंदरी, ये जो ये वाला, ये गुंदरी मिसिंग था। हम क्या करते थे, जब हम पिछले 4-5-8 साल से हम आते थे और 10-15 मिनट 20 मिनट उठाते थे, वो निकलते थे। लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है कि इस साल बहुत अच्छा निकला है, अपने टाइम पर निकला है। ये जो इस साल हमारा जो साफरान है, ये अपने टाइम पर निकला है, इसी तरह जिस तरह पुराने वक्त में निकलता था, इसी तरह हमने खाना भी यहाँ ही खाया, चाय भी यहाँ ही पी। पिछले 10 साल हम क्या करते, हम आते थे और जाते थे, एक घंटा आधा घंटा, चाहे कितने भी बाड़ियाँ थी हमारी यहाँ, सब एक घंटे से ज़्यादा कोई उठाता नहीं था। लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है, हमने चाय भी यहाँ ही पी है, हमने खाना भी यहाँ ही खाया। उसी टाइम निकले हैं घर से कि जब से हम 8 बजे घर निकलते थे और शाम को 6 बजे घर वापस आते थे। इस साल इसी तरह हम सुबह 9 बजे घर से निकले और शाम को 6 बजे 5 बजे सब घर जाते थे उठा के ये फूल। ये अल्लाह का हमारा आज मेहरबान है हम पर कि हमें फूल आज बहुत अच्छा निकला है इस साल। एक्चुअली पिछले साल नहीं, कि इससे पहले जो साल था वो कम था क्रॉप। अब इस साल तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का शुक्र है, इस साल फिर भी अच्छा क्रॉप है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इससे भी अच्छा होगा। अब धीरे धीरे अब तो ये रंग पकड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे जितना इससे पहले कर रहे थे। अब मेरे ख्याल से इस साल फिर भी शुक्र है ऊपर वाले का अच्छा क्रॉप निकला है, उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह अच्छा इससे होगा। क्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे सीड है वहाँ पे क्रॉप निकला, मगर ओवरऑल जब हम बात करेंगे सीड यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से सिर्फ 20% सीड मौजूद है और 80% सीड बिल्कुल ख़त्म हो गए। इसका मतलब है कि 80% ज़मींदार अभी बैठे हुई है और 20% का क्रॉप निकला है और वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक अच्छा मिशन आया था, ज़ाफ़रान मिशन, मगर वो अच्छी तरह अमलाया नहीं गया। इसका मतलब ये है कि पहले हमें इरिगेशन की ज़रूरत थी यहाँ पे, हमें पहले रिजोनेशन किया कराया गया, पहले बीज डाले गए। बीज डालने के बाद आज तक कम से कम 15-20 साल हो गए हैं, अभी तक इरिगेशन नहीं हुई। लाइक जबकि किताबों में है और ज़बानों पे है हमने 128 बोरवेल्स खोदे हैं, मगर कोई भी बोरवेल अभी तक फंक्शनल नहीं है, कोई भी बोरवेल काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो काम करते होते शायद ज़मींदारों के साथ इंसाफ होता। सैफरान जो इस साल की क्रॉप है, आप जानते हैं कि पिछले अक्टूबर के महीने में भी 2 बार जितने हमारे अपर हिल्स थे उसके ऊपर में अर्ली स्नोफॉल हुआ और जो लव रिचेज थे उसके बीच में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर था वो कम हो गया, क्योंकि सैफरान का फूल निकलने के लिए 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और जो पिछला हफ्ता मौसम बना रहा उसके हदूद जब टेम्परेचर राइज हुआ तो फूल निकलना स्टार्ट हो गए। और इससे ये होगा कि अगर ये मौसम वैसे ही साजगार रहता है, अगर मज़ीद टेम्परेचर डिप नहीं होता है और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो है 19 से 21 डिग्री जो है वो लगातार मिल जाती हैं, तो सैफरान के फूल अच्छे तरीके से निकलेंगे, क्योंकि ज़मीन के अंदर कार्ब जो है वो हेल्दी कार्ब है, जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने इसकी काश्तकारी की है। क्योंकि कुछ लोगों ने कार्ब इसलिए लगाए हैं कि नेक्स्ट ईयर उसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए, वहाँ तो फूल नहीं निकलेगा उसके बीच में, क्योंकि दूसरे साल से स्टार्ट हो जाएगा। कश्मीर बहुत बढ़िया लगा, लोग बहुत ही
लविंग है, बहुत ही मतलब वेलकमिंग है, और हम खाना तो बहुत अच्छा लगा। सैफरन हमने ख़रीदा है, यहाँ का ओरिजिनल है, हमको बहुत वीना वर्ल्ड ने अच्छी सैफरन की जगह दिखाई, ये फूल हमने देखे बहुत खुश हुए, हम यही देखने के लिए आए थे पूना से। हर एक को मैसेज दूंगी कि ज़िंदगी में एक बार तो कश्मीर आना है, यहाँ के लोगों से मिलना है, यहाँ का सब एनवायरनमेंट, सब ठंडी महसूस करनी है और मज़े लेना है यहाँ।